सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हमने प्लान बनाया कि कहीं दूर पहाड़ों पे जाके पिकनिक बनाने का, फुल ट्रैकिंग करके जाएंगे। आज भाई सब एडवेंचर होने वाला है। और गाइस, वहाँ पे हमें जो खाने पीने का सामान होगा वहाँ पे हमें खुद बनाना पड़ेगा। फुल चूल्हा जला के बनाएंगे। आज भाई साहब फुल आदिवासी बनने वाले हैं और भाई साहब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो अभी गाइस रेडी होते हैं, बैकपैक रेडी करते हैं, तो फिर निकलते हैं। और गाइस भैया वगैरह भी जा रहे हैं और मेरे कुछ कज़न और लोग भी हैं, तो वो भी चलेंगे। अभी गाइस रेडी होते हैं तो बैग वगैरह सेट करते हैं, फिर चलते हैं भाई साहब अपनी जर्नी की तरफ। सो गाइस, उस वक्त से मैं कुछ सामान सेट कर रहा था, तो अभी बताता हूँ ट्रैकिंग करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले हमने ले लिया बैग पैक, तो फिर हमने ले लिया वाटर बॉटल, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले लिए, तो ये ले लिया नेकबैंड, स्लीव्स ले लिए और पेप्सी ले लिए। लास्ट रास्ते में थोड़ी सी पेड़ पूजा करेंगे, ट्राइपॉड तो रहता ही मेरे साथ है। सब ये है मेरा स्पीकर, स्पीकर के बिना भाई साहब पिकनिक में मज़ा नहीं आने वाला। तो ये ले लिया एक ट्राउज़र, तो ये ले लिया कुछ खाने पीने का सामान, मैगी वगैरह। तो हम पूरे भाई साहब 8 बंदे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान कैरी कर रहे हैं। तो मैंने कुछ ये इतना सामान कैरी किया है, तो अभी करते हैं यार बैग को सेट, तो बैग पैक करते हैं फिर निकलते हैं। यार भाई साहब आज मज़ा आने वाला है। ऑल सेट गाइस, तो बैग वगैरह मैंने पहन लिए हैं, तो अभी निकलते हैं यार पिकनिक बनाने के लिए। तो मेरे फ्रेंड लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी चलते हैं यार पिकनिक बनाने के लिए। भाई साहब आज मज़ा आने वाला है, तो चलो भाई चलते हैं। तो गाइस, हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि एक्सपीरियंस करना, तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। तो अभी चलते हैं यार, वो जो आगे दिख रहा है वहाँ से हमारा ग्रुप पानी भर रहा है, झरना है पानी का, तो वहाँ पे ठंडा ठंडा झरना है, तो पानी भर लेते हैं यार, क्योंकि आगे पानी कहीं पे मिलेगा नहीं। तो ये लास्ट है मुझे लगता है। यहाँ एक जगह और भी है, वो गैना पहाड़ी के पास है, तो वहाँ से भी भर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ से भर लेते हैं पहले। सो गाइज, हमारी फ्रेंड लोग की टीम इकट्ठी हो चुकी है, तो भाई साहब यहाँ पे पीछे जा रहा है फोटोशूट। आज तो भाई साहब मज़ा आने वाला है। मेरा गाइज सबसे बड़ा मोटिव ये है कि एक्सपीरियंस करना। तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं फोटोशूट करने के लिए, तो इस जगह का नाम है खलेबाट। तो यहाँ पे पीछे देख सकते हो भाई साहब क्या बैकग्राउंड आ रहा है। तो अभी चलते हैं यार सफ़र को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो हमें आई थिंक 5 घंटे हमने ट्रैक करना है। तो गैना पहाड़ी टॉप पे अगर हम आराम से गए तो 5 घंटे लगेंगे, तो अगर हम तेज़ गए, तो थोड़े फास्ट गए, तो हमें लगेंगे 3 घंटे गैना पहाड़ी टॉप पे। तो अब चलते यार सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तो अब चलते यार। सो गाइज, अभी ये जो जंगल है, ये जंगल हमने क्रॉस करना है। तो भाई साहब इस जंगल में आई थिंक बोल रहे हैं शेर वगैरह, बालू वगैरह कुछ है, तो हम सेफ्टी के लिए डांग लेके जा रहे हैं। भाई साहब देखो, डांग साहब डांग लेके जा रहे हैं, तो मैं भी डांग ले लूँगा। भाई साहब जंगली जानवरों का खतरा है यहाँ पे, तो टपका देंगे अगर आए। तो चलते यार, अब साकिब को भाई यहीं पे प्यास लग गई है, तो अब चलते हैं। आदिल, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस थक गए भाई। साकिब भाई तेरा ऊपर मज़ा आएगा। भैया आपका बहुत बुरा, सबकी फटी है, सबकी फटी हुई है। तो अब ये जो जंगल ये क्रॉस करना है हमने, तो सब सेफ्टी के साथ जाना, तो डांग वगैरह हमने ले लिया। तो चलते यार अब जंगल को क्रॉस करते। कैमरा हमारा फुल चालू रहेगा, कोई भी आगे आ गया तो लाइव प्रूफ आपको दिखा देंगे। तो भाई साहब आज मज़ा आने वाला है। क्या आने वाला है? फुल बुआर तरीके से रेडी है सब? तो चलो भाई जर्नी की तरफ बढ़ते हैं। चलो।
गाइस यार आपको जो वो पीछे पहाड़ी दिख रही है ना, वहाँ पे हमने जाना है, वो है गहिना पहाड़ी, उसके पीछे पहाड़ी है यार, अभी बहुत दूर है यार सच्ची में गाइस। अभी यहीं पे हमारी सबों की फट के चार हो गई है, तो उधर देखो बहुत ही ज़्यादा दूर है। अभी वो जो शॉप है ना, बता देता हूँ आपको जूम करके, वो जो जगह है उधर शॉप एक है, तो शॉप से कुछ खाने पीने का सामान लेके जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वहाँ पे जाके पियेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, तो अभी निकलते यार। सो गाइस हमने खाने पीने का सामान फुल एकदम ले लिया है, तो अब सफ़र को दोबारा कंटिन्यू करते हैं, तो अब चलते हैं यार गहिना पहाड़ी की तरफ। सो गाइस यार हम यहाँ से जा रहे थे, तो रास्ते में ये घर वाले ना जो इन्होंने रोका, तो हमें कुछ खाने के लिए दिया है, ये इन्होंने नियाज बनाई हुई थी, तो ये मीठे चावल, तो तीन लफाफे भर के दिए हैं, तो आप लेके चलते हैं यार, दुआ मांगी हुई है, तो जाके गहिना पहाड़ी प्लेस पे जाके उधर ही खाएंगे यार, तो टेस्टी टेस्टी है गर्मा गर्म, तो घर उधर चलते हैं गहिना पहाड़ी, वहाँ पे खाते हैं यार। चलो ऑलमोस्ट गाइज हम पहुँचने वाले हैं, सिर्फ 2 किलोमीटर हो रहे हैं तो फिर पहुँच जाएंगे अपनी हम डेस्टिनेशन पे। तो भाई साहब इधर व्यू चेक करो भाई साहब, कैसे चुटाने नीचे गिरी हुई हैं, इधर देखो भाई साहब, हमारी टीम अभी रेस्ट कर रही है क्योंकि भाई साहब बहुत ही ज़्यादा हमने कवर किया है, तो देखो यहाँ पे कैसा गहरा जंगल है, तो अब चलते यार गहिना पहाड़ी की तरफ। सो गाइज हम गहिना पहाड़ी पहुंचने वाले हैं, सिर्फ थोड़े से कदम हो रहे हैं, तो ये पहाड़ी क्रॉस करनी है, उसके पीछे गहिना पहाड़ी है, तो हम पहुंचने वाले हैं। ये जो ज़ियारत है ना, इधर बाबली है, तो यहाँ से पानी भरेंगे, तो ये बहुत पुरानी, पता नहीं कितने 100 साल पहले बावली ज़ियारत है, ये देखो, तो अब भरते हैं यार पानी, ठंडा ठंडा एकदम। फाइनली गाइज इतना ज़्यादा सफ़र करने के बाद आखिर हम पहुंच चुके हैं गहिना पहाड़ी। गाइज इस पहाड़ी को देख के कुछ अलग तरीका का सुकून मिलता है, जब घर से मैं बचपन में इस पहाड़ी को देखता था ना, तो मैं सोचता था कब इस पहाड़ी पे जाऊंगा, आज फाइनली इस पहाड़ी पे हैं हम यार, आ गए हैं, तो पहले भी मैं एक बार आया हुआ हूँ, तो भाई साहब हम आज फाइनली हम इस पहाड़ी पे आ गए, तो भाई साहब इधर देखो यार कितना बड़ा बड़े यहाँ पे ग्राउंड है, तो अब मैं ले रहा हूँ इनका कुछ सिनेमैटिक, तो आप इनके कुछ सिनेमैटिक इन्जॉय करो यार। I feel like I could take on the world and make it better. सो गाइज अभी हम जा रहे हैं कुछ पेट पूजा करने के लिए, तो ये जो मीठे चावल नीचे से लाए थे उन्होंने दिए थे, तो उनको ठूसते कोल्ड ड्रिंक वगैरह मुझे भी दो को, अरे है ना, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत मज़ा आ रही है, बहुत ज़्यादा, इतना चल के आना पूरा वर्थ था भाई, मज़ा आया भाई साहब। इधर देखो नीचे खाई देखो यार, तो गाइस इधर देखो ये कुछ भूत लगे हुए हैं, इनको घर से कुछ मिला नहीं खाने के लिए, इधर देखो ठीक है ना भाई, मजा ये लगा ना, नहीं पता है देखो सबसे मेन काम भाई कुछ खाएंगे ना तो आगे व्लॉग बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाना है हम सबों ने एक चूल्हा, तो बनाते हैं यार अब चूल्हा, लकड़ियाँ भी ढूंढ के लानी पड़ेगी, पत्थर भी लाना पड़ेगा, तो अब बनाते हैं चूल्हे। सो गाइस यहाँ पे हमने चूल्हा बना लिया है, तो अब आग जलाने लगे हैं, क्या पता आग जलेगी हमारे से, यानी गाइस मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही था कि पहाड़ों पे जाके मैगी बनाने का एक्सपीरियंस लेने का फुल पुआर तरीके से, तो पहाड़ों पे मैगी खाने का कुछ अलग सी वाइब्स आती है, अलग मज़ा आता है यार, तो अब आग लगाते हैं फिर खाते हैं यार। गाइस आग जल गई, फॉलिंग ऑन योर फीट डू यू फाइनली
finally see what you're missing. You're just one lost soul. It'll break the mold when you see me. Do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind. गाइस यहाँ पे देखो हमारी मैगी क्या तगड़े तरीके से बन के आ गई है, क्या मजा ही आ गया देख के। तो सो गाइस अभी हमारी मैगी फुल रेडी हो चुकी है, तो अभी हम मैगी खाने लगे हैं। तो भाई साहब अभी मजा आने वाला है, फुल भाई साहब बहुत तरीके से पिकनिक हमारी हो रही है भाई साहब। गाइस अब मैगी को टेस्ट करने देते हैं कैसी मैगी बनी है। मस्त भाई साहब, जो चूल्हे की मैगी होती है ना भाई साहब, मस्त है। सो गाइस ये जो आपको ये दिख रहा है ना ये घर, इसको हम अपनी जबान में बोलते हैं टारा। तो अभी बताता हूँ, ये अंदर से टूर कराता हूँ थोड़ा सा, पता नहीं किसका टारा है ये, बता देता हूँ आपको। ये पूरा मिट्टी का हाउस है, मिट्टी का घर है टारा, ऊपर छत भी मिट्टी का और ये पत्थरों का और लकड़ियों का बना हुआ है। अंदर पता नहीं क्या है, बताता हूँ। डर लग रहा है, चलते हैं यार। ये टारा है, सो गाइस हमारी पिकनिक वगैरह फुल कंप्लीट हो चुकी है। तो आप बैकअप के लिए निकलते हैं, शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, सिर्फ सनसेट वगैरह हो गया सब कुछ, तो अभी निकलते हैं यार। सो गाइस यार ये जो घैना पहाड़ी की ट्रिप थी, तो इसमें तो मज़ा आ गया गाइस। अभी हम बैकअप के लिए निकल रहे हैं वापस, तो लास्ट टाइम घैना पहाड़ी देख लो, तो इससे बाद क्या पता नहीं आए, क्या पता आ भी जाए। तो बाय बाय घैना पहाड़ी, आज मज़ा आ गया गाइस सची में। तो अभी निकलते हैं बैकअप के लिए वापस, हमारा ग्रुप चला गया आगे, तो चलते हैं यार। अभी हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट किए गाइस, आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। आज मज़ा आ गया यार, देख लो एकदम गई ना पहाड़ी लास्ट टाइम, क्या मस्त व्यू आ रहा है यार। तो अब चलते हैं यार गाइस, हम सभी भाई निकल चुके थे वापस घर की ओर। तो यहीं तक होता है हमारा व्लॉग, तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।